हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी बच्चों, देखिए दिल्ली होमगार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं और जो भी आपके सवाल हैं वो सारे मैं लेकर आया हूं, जिससे कि आपकी एक एक पॉइंट जो है मैं क्लियर कर सकूं और बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं कि क्या क्या चीज यहाँ पे हुई है और क्या चीज आपकी होनी है। देखिए पहला सवाल बच्चों का था कि क्या आप जो है अब दिल्ली होमगार्ड की भर्ती नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था क्योंकि आपको पता होगा 1 जुलाई से उसके एडमिट कार्ड आने थे, उसके फिजिकल चालू होने थे, लेकिन किसी कारणवश फिजिकल चालू नहीं हुए हैं, तो इसके लिए बच्चे जो है परेशान हैं। तो आज आपको यहां पे सारी बातें बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये फिजिकल नहीं हो पाए थे, क्यों एडमिट कार्ड नहीं आ पाए हैं और क्या क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अब उससे आगे कि क्या आपकी तैयारी होगी, वो सारी बातें यहां पे करने वाला हूं। देखिए पहला सवाल था क्या आप दिल्ली पुलिस का जो है भर्ती नहीं होगी। ऐसा नहीं है बच्चों, दिल्ली पुलिस की भर्ती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब जो है दिल्ली होमगार्ड की भर्ती नहीं होगी। एक बार आपके फॉर्म निकल चुके हैं तो आपकी भर्ती जो है यहां पे होनी है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपकी भर्ती नहीं होगी। तो आपकी भर्ती होगी लेकिन इसमें थोड़ा टाइम पीरियड थोड़ा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वैकेंसी यहां पे नहीं होगी। तो ये अगर वैकेंसी निकली है तो ये कंप्लीट भी होगी। आपको पता होगा इसमें अभी केस भी डला हुआ है, केस के बारे में भी यहां पे बात करने वाला हूं मैं। और यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ जो केस की पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके के कितने केस इसमें डले हुए हैं और क्या क्या पॉइंट हैं, किन पॉइंटों पे केस डले हुए, वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप हमारे जुड़ जाइएगा। सेकेंड पॉइंट था कि दिल्ली होमगार्ड के एडमिट कार्ड जुलाई में आने थे लेकिन क्यों नहीं आए, ऐसा के क्या कारण रहे हैं जो जुलाई में एडमिट कार्ड नहीं आए। बच्चों देखिए पहला कारण मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अभी आपको बता होगा दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो 1 जुलाई से जो ट्रेनिंग वाले हैं वो ट्रेनिंग पे जाने हैं बच्चे, तो इस कारण जो है ये भर्ती डिले हो गई है, यानी पीछे हो गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि उनकी ट्रेनिंग करानी बहुत ही जरूरी है क्योंकि वैकेंसी वो कंप्लीट थी लेकिन कुछ बच्चे उसमें रह रहे थे, तो उनकी 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से उनकी ट्रेनिंग जो है इन्होंने चालू कर दी है। दूसरा कारण ये रहा था कि ये जो है ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे बुला रहे हैं उनके बाद यहाँ पे ग्राउंड जो है आपके थे ग्राउंड कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो ग्राउंड कंप्लीट ना होने के कारण आपको पता होगा नो ग्राउंड थे जिनमें आपके होमगार्ड के फिजिकल होने थे, लेकिन नो ग्राउंड के कारण यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी कि इनकी जो है ट्रेनिंग भी करानी थी, तो नो ग्राउंड यहाँ पे आपके खाली नहीं थे, तो वहां पे आपका दिल्ली होमगार्ड के फिजिकल नहीं कराए जा सकते थे, तो इसीलिए भी ये कारण रहा ताकि आपके फिजिकल के जो एडमिट कार्ड जुलाई से आने थे या जुलाई में आपके फिजिकल होने थे वो इस कारण से नहीं आ पाए। नेक्स्ट पॉइंट था कि दिल्ली होमगार्ड के एडमिट कार्ड अब कब आएंगे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो बच्चों अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, क्योंकि आपको पता होगा ग्राउंड का एडजस्टमेंट चल रहा है, तो जैसे ही ग्राउंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, तो हो सकता है अगले महीने आपके एडमिट कार्ड आ जाए और हो सकता है उससे अगले महीने एडमिट कार्ड आ जाए, तो 2 मंथ का आप मान के चल सकते हैं, 2 मंथ का समय आपको दिया जा रहा है कि जिस तरीके से आप भी अपने में प्रिपेयर हो सके, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर हमें थोड़ा टाइम और मिल जाता तो शायद हम कुछ कर पाते, तो आपके लिए टाइम ही टाइम है, प्लीज अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 4th सवाल की, क्या अब दिल्ली होमगार्ड भर्ती नहीं होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब दिल्ली होमगार्ड की कैसे करें तैयारी, बहुत सारे बच्चों के मन में सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सिर्फ यही चीज ढूंढते रहते हैं किस बुक को पढ़ें, किसका कोर्स खरीदें, ये वाली चीजें वो करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताने वाला हूँ दिल्ली होमगार्ड की तैयारी के लिए, आपको मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने तैयारी शुरू कर रखी है, कंटिन्यू तैयारी से रखें, आपको रनिंग भी करनी है, आपको रनिंग बिल्कुल करनी है, रनिंग आपको नहीं छोड़नी है, उसके बाद एग्जाम की तैयारी भी आपको करनी है, जिससे कि आप इसमें प्रॉब्लम ना आए, आपकी अच्छे से तैयारी, आपकी रनिंग की तैयारी भी होती रही और आपके एग्जाम की तैयारी भी होती रही। तो आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी है और आपको रनिंग की तैयारी भी करनी है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है ये, जब तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती, यदि आपको इसमें 1 वैकेंसी चाहिए, अगर आपको 1 वैकेंसी चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, क्या दिल्ली होमगार्ड के फिजिकल अब दिल्ली पुलिस नहीं कराएगी, ये सवाल बहुत ज्यादा है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी कन्फर्म नहीं है, 90% यहाँ पे दिल्ली पुलिस ही कराएगी, दिल्ली पुलिस ही आपके फिजिकल को यहाँ पे कराएगी, अदरवाइज हो सकता है 10% में कोई और कंपनी आपकी यहां पे कंपनी हायर कर ली जाए, या कोई आपका जो ये स्टेडियम है स्टेडियम भी आपका हायर किया जा सकता है, तो हो सकता है स्टेडियम में हो जाए, लेकिन मैं मानता हूं यहां पे 90% आपका यहां पे दिल्ली पुलिस ही कराएगी, क्योंकि अभी थोड़ा मैनेज नहीं हो पाया था ग्राउंड के लिए, तो बहुत जल्द ग्राउंड नौ ग्राउंड
होमगार्ड के लिए मैनेज कर लिया जाएगा और आपके फिजिकल वहां पे करा लिए जाएंगे। क्या दिल्ली होमगार्ड के लिए आपको कोई कोर्स खरीदना चाहिए, ये भी सवाल था। तो जो मैं मानता हूं कि आपको सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो बुक होगी, यहाँ पे आप किसी भी राइटर की बुक ले सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। और आप यहाँ पे मिक्स कंटेंट भी ले सकते हैं। मिक्स कंटेंट में क्या होगा कि आपको रीजनिंग यहाँ पे मैथ जीएस रीजनिंग वहां पे सारी चीजें कंप्लीट मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगी। और अगर आपको लगता है कि मैं मानता हूँ यहाँ पे 10% आपको कोर्स खरीदना चाहिए, कोई भी कोर्स खरीदना चाहिए 10%, क्योंकि कोर्स में क्या होता है मैं आपको बता दूं, सिर्फ बुक छपी होती है, कुछ नहीं होता है और ऐसा कोई रियल चीजें नहीं होती है उसमें। हो सकता है आपको वहां पे कुछ और भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने देखी है कई बार पीडीएफ में भी वहां पे प्रॉब्लम होती है, तो ये भी आप देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बुक ले लेनी चाहिए किसी भी राइटर की, अपना कोर्स आप कंप्लीट करिएगा। दिल्ली होमगार्ड की भर्ती में अब और कितना समय लगेगा, तो बच्चों यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ 90% के हिसाब से मानता हूँ मैं, तो यहाँ पे लगभग 6 माह आपको लगने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 10% में, तो 10% में आपकी 12 माह भी लग सकते हैं ये मुझे लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर ये भर्ती क्लियर हो जानी चाहिए। अब जैसा समय चल रहा है, जैसा टाइम चल रहा है, जैसे आपको पता होगा कितना ज्यादा हाईलाइट हो रही है ये वैकेंसी, तो ये 6 महीने में हो जानी चाहिए। आपको पता होगा कि यूपी पुलिस में जो होमगार्ड 42,000 वो भी आ चुके हैं, तो हो सकता है 42,000 के हिसाब से ये भर्ती बहुत जल्द हो जाए। तो आपको तैयारी रखनी है, आपकी यूपी पुलिस यूपी की आपकी होमगार्ड की वैकेंसी हो या दिल्ली होमगार्ड की हो, आपको मिल जाएगी। बात करते हैं दिल्ली होमगार्ड की, जो यहाँ पे कोर्ट केस चला हुआ है, आपको पता होगा अभी कोर्ट केस चला हुआ है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 से 3 हायरिंग में आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका जो है ये जो कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस फाइनल हो जाएगा। अब फाइनल भी नहीं होता है तो आपकी वैकेंसी चालू रहेगी, और बाद में जब जजमेंट आएगा इसका, और जजमेंट आने के बाद उसी तरीके से उन बच्चों को जो है शामिल कर लिया जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्टे वगैरह नहीं लगा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसमें स्टे लग गया है, तो इसमें स्टे बिल्कुल भी नहीं लगा बच्चों, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को आज से जरूर करिएगा। मिलता हूं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।